हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफा। वेलकम टू फूड स्टोरीज़। आज हम एग पराठा बनाने वाले हैं। ये एक हेल्दी पराठा है, आप इसे छोटे बच्चों को बनाकर दे सकते हो और हम इसे ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बना लेंगे। तो बाउल में मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक को हमें आटे में अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो गूंद लेंगे। इकट्ठा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट डो गूंद लेना है। फिर से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे ऑयल और फिर से हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेना है। फ्रेंड्स, डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे ढककर थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बॉइल्ड एग्स लिए हैं, उसकी स्किन मैंने निकाल ली है। अब हमें इन एग्स को कद्दूकस कर लेना है। तो देखिए, इस तरह हम दोनों एग्स को कद्दूकस कर लेंगे। एग्स को कद्दूकस कर लेने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, एग की जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। अब हम पराठे बनाएंगे। तो डो भी रेस्ट हो गया है। अब हम इसमें से छोटा सा पोर्शन लेंगे, रोलिंग प्लेटफॉर्म पर डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और अब हमें इसकी छोटी सी पूरी बेलनी है। तो ये देखिए, इस तरह हमें पूरी बेलनी है। अब हमने जो स्टफिंग रेडी की थी एग की, वो इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह हमें पैक करना है। हम ये जो स्टफिंग है वो प्रेस करते हुए इसे पैक कर लेंगे। अब हम फिर से रोलिंग प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और अब हमें इसका पराठा बेलना है। ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम साइज़ का बेलना है। ये देखिए, पराठा मैंने इस तरह बेल दिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। तो सेकने के लिए मैंने पैन लिया है, आप चाहे तो तवा भी ले सकते हो। एक साइड से सिक जाने के बाद हम इसे टर्न करेंगे, दूसरे साइड से भी थोड़ा सा सेक लेंगे और फिर ऑयल लगा लेंगे। पूरे पराठे के ऊपर हमें ऑयल लगाना है। आप चाहे तो बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरफ भी हम ऑयल लगा लेंगे। दोनों साइड से पराठे को हमें अच्छे से सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, दोनों साइड से पराठा सिक गया है। एक पराठा खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो मेरी आने वाली रेसिपीज़ है वो आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू।